अगर किसी को पतली लैट्रिन बार बार ना लेना हल्के में बनो समझदार, हो सकता है ये दस्त का हो वार, तो चलो हम सब मिलकर हो जाए तैयार। दस्त का वार, दस्त का वार, हे दस्त का वार, दस्त का वार, दस्त का वार, दस्त का वार, दस्त का वार। अरे क्या दस्त दस्त कर रही है, चल जा जरा थोड़ी देर भाई के पास बैठ जा, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है, भूख लगी है क्या उसको? नहीं, सुबह से पेट में दर्द है इसके, फिर से लैट्रिन भी कर दी। मैं जरा इसे साफ करने के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, सारे कपड़े गंदे कर लिए। सारे कपड़े गंदे कर दिए भैया तुमने आज? माँ को पहले छान कर ले हो। अरे मुझे कहाँ, मेरा बच्चा तो खुद परेशान हो रहा है, बुखार भी है और सुबह से 5-6 बार लैट्रिन कर चुका है। 5-6 बार? माँ तो आप इसे सहिया दीदी के पास क्यों नहीं लेकर गयी? अरे तू चुप कर, पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो हो जाता है बच्चों के साथ ऐसा। नहीं माँ, ये बात नहीं, भाई को दस्त है शायद। अच्छा जी, अब तू मुझे समझाएगी, तुझे कैसे पता? माँ मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, आज स्कूल में एक डॉक्टर मैडम आई थी, उन्होंने हम सबको बताया था कि अगर किसी को एक ही दिन पानी जैसी पतली लैट्रिन बार बार आए, बुखार हो, पेट में दर्द हो, तो उसे तुरंत सहिया दीदी को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसको दस्त हो सकता है। जी साथियों, पानी के जैसी पतली लैट्रिन बार बार आना, पेट में ऐठन और दर्द होना, बुखार और लैट्रिन में खून आना, ये सभी दस्त के कुछ लक्षण हैं। ये दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी सहिया दीदी, ANM दीदी या फिर डॉक्टर से संपर्क करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। तो साथियों हमें बताइए, धन्यवाद।